बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी दोस्तों, आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये डेल एन 5050 है, ठीक है, डेल इंस्पायरन N5050। इसकी आज हार्ड को अपग्रेड करेंगे हम और इसको ओपन करके चेक कराएंगे आपको किस तरह इसको जो है ना डिसअसेंबल किया जाता है। सबसे पहले आपने ये बैटरी इसकी ओपन कर लेनी है। इसके बाद ये टोटल स्क्रू है इसके, ये स्क्रू आपने जो है ना टोटल इसके ओपन कर लेने हैं। ये टोटल स्क्रू है जो, ये टोटल स्क्रू इसके ओपन कर लेंगे। ये टोटल स्क्रू इसके जो है ये ओपन हो गए हैं, तो अभी जो है इसके ये फ्रंट से कीबोर्ड ओपन कर लेंगे। ये लॉक्स हैं कीबोर्ड के। बिस्मिल्लाह, ये कीबोर्ड का जैक है, ये ओपन कर लेंगे। स्क्रू है इसके अंदर, दो स्क्रू लगे होते हैं, ये दोनों स्क्रू ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये इसकी स्ट्रिप है, ये ऑन ऑफ की स्ट्रिप है इसकी, ठीक है, दोनों स्ट्रिप्स ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये बी पैनल है इसका, ये भी ओपन कर लेंगे इस तरह। ये भी ओपन हो गया। तो अभी ये आ गई है इसकी हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव उतारेंगे, ठीक है। इसके अंदर अब दूसरी हार्ड ड्राइव लगाएंगे, इसको बंद करके, तो फिर इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो होती है वो विंडो इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। चलिए दूसरी हार्ड ड्राइव जो है वो इसके अंदर लगाते हैं। ये नहीं जी, ये दूसरी हार्ड आ गई है, ये इसकी फिटिंग की है, ठीक है। तो अभी इसका ये जो पैनल है, ये पैनल इसको रखेंगे, अभी इसको मुकम्मल पैक करके तो इसकी जो है ना विंडो इंस्टॉल करेंगे। लें जी, अब इसके अंदर करेंगे विंडो इंस्टॉल। इसकी पार्टीशन जो है ये तीन कर लेंगे, अभी हमें कमल इसकी विंडो होती है तो उसके विंडो वगैरह करके इसको स्पेसिफिकेशन लेके तो फिर आपको जाकर करवाते हैं। ये बिल्कुल ओके हो गया, रेडी हो गया, इसकी विंडो वगैरह इंस्टॉल हो गई है, बिल्कुल ओके हो गया ये। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।